और छत्तीसगढ़ में हम इसको समझेंगे, क्योंकि अभी वेस्टइंडीज और इंडिया की जो क्रिकेट सीरीज है और नए एक के युग की शुरुआत हुई है, कप्तानी बदली है, और उसके बाद में रोहित शर्मा की कप्तानी में 1000वां जो वनडे मैच था यहाँ पे इंडिया ने जीता है। और इसके साथ ही जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि जिस तरह से लगातार भारतीय टीम को लेकर जो चर्चा चल रही थी, और अंडर-19 क्रिकेट में भी भारत की बादशाहत जिस तरह से है और 5वीं बार विश्व विजेता बना है, तो हम छत्तीसगढ़ में क्रिकेट को लेकर किस तरह की स्थिति है उसको समझने की कोशिश करेंगे अपने इस खास चर्चा में। हमारे साथ में पूरा एक पैनल मौजूद है, मैं उनका परिचय करा दूं। हमारे साथ में प्रवीण जी मौजूद हैं, प्रवीण जी के साथ में यहाँ पे अजय रामनानी जी मौजूद हैं और साथ ही जितेंद्र जी मौजूद हैं। आप सभी का मैं स्वागत करना चाहूंगा। और सबसे पहले मैं अजय जी के पास चलना चाहूंगा। अजय जी, अगर क्रिकेट की मौजूदा स्थिति को समझा जाए, एक समय ऐसा था कि क्रिकेट को लेकर बहुत सारी बातें कही जा रही थी, जो यंग प्लेयर्स थे बहुत कुछ मेहनत कर पा रहे थे लेकिन वो उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था। मौजूदा स्थिति से आपको क्या लगता है कि जो बच्चे क्रिकेट में अपना भविष्य बनाना चाह रहे हैं उनके लिए किस तरह का रास्ता बनता दिख रहा है आपको? देखिए, क्रिकेट में यहाँ पे इंडिया में रास्ता तो हमेशा खुला हुआ है बच्चों के लिए। जी वो तो जी जो परफॉर्म करता है वो तो क्या बोलते हैं टीम में आ ही जाता है। इसके बाद अभी स्टेट लेवल पे हो चाहे हर लेवल पे कंपटीशन बहुत है, और बच्चे जितना भी क्या बोलते हैं जो भी जिस लेवल पे भी अच्छा खेलते हैं उस लेवल पे उनका सिलेक्शन तो होता ही है। देखिए, थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स तो है इंडिया में या वर्ल्ड में और कहीं भी है, लेकिन जितने भी अच्छे प्लेयर्स हैं उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म तो मिलता ही है। और अभी जिस तरह से कुछ सीरीज की बात कर ले, और पहले जो सीरीज रहा जिसमें भारत की जो स्थिति रही, और वेस्टइंडीज में जिस तरह से भारत में जो टीम में परिवर्तन हुआ है, कप्तान बदले गए हैं, उसके बाद में आप किस तरह की स्थिति देख पा रहे हैं? कैप्टनशिप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है क्रिकेट में। क्या कोई भी टीम गेम हो उसमें कैप्टनशिप बहुत इम्पोर्टेंट रहती है, जी एक बहुत ही प्लेस है ये। और कैप्टन के ऊपर ही कैप्टन जी 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 कंटिन्यू करेंगे जी। हाँ जी कैप्टन के ऊपर ही पूरी टीम डिपेंड होती है, और कैप्टनशिप एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेस है। तो मुझे लगता है कि जो अभी ये रोहित शर्मा आए, अभी तो इनको समय लगेगा। अभी देखें, अभी तो पहला मैच ये जीते हैं, तो देखते हैं अभी आगे ये कैसे के, वैसे तो एक इन्होंने आईपीएल में बहुत अच्छी कैप्टनशिप की है मुंबई इंडियंस की, तो ये मुझे लगता है कि ये अच्छे कप्तान इंडिया के लिए भी साबित होंगे। जी। और चूंकि 3 मैचों के वनडे सीरीज में सबकी नजर रहेगी, प्रवीण जी तो आप किस तरह से देख पा रहे हैं मौजूदा सीरीज को? हेलो जी जी प्रवीण जी, जी, आपका सवाल फिर से दोहराएंगे। मैं वनडे सीरीज की बात कर रहा था, जो मौजूदा वनडे सीरीज वेस्टइंडीज के साथ चल रहा है, पहले मैच में काफी अच्छा आगाज रहा है, तो आगे किस तरह से देख पा रहे हैं आप इस सीरीज को? बहुत अच्छा सीरीज जाने वाला है हमारा। जिस तरीके से पहले मैच में हम लोगों ने देखा कि टीम इंडिया अच्छी खेल रही है, और आने वाली सीरीज में जो दौर अभी जिस तरह से हमारी युवा नए खिलाड़ी हमारी टीम में आए हैं अभी और जी जो जी परफॉर्म कर रहे हैं वो उनके लिए बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा काबिल है, हम सीरीज जीतने वाले हैं। जी। और अभी की अगर टीम सेटअप की बात की जाए, कप्तान भी बदले हुए हैं और खिलाड़ियों के अगर चयन की बात की जाए, तो किस तरह से देख पाते हैं आप? ठीक है, सही है। हर खिलाड़ी का एक अपना अपना खेलने का तरीका है। कप्तानी तो अपनी जगह बहुत अहम भूमिका निभाई जाती रहता ही है। जी। और अभी कप्तानी बदलने से जैसे भी रोहित शर्मा जी हैं अभी, तो जी। उनकी कप्तानी में जब जब उनको कप्तानी दी गई है, चाहे वो आईपीएल में हो या और किसी भी दौर में हो, तो जी वो पूरी जिम्मेदारी के साथ और अच्छे से निभाते हैं वो। और उनका बैटिंग लाइन बहुत स्ट्रांग हो जाता है हमारी टीम का, हम ज्यादा से ज्यादा रन बना पाते हैं। और बाकी आंकड़े तो वही वही दर्शाते हैं जो जिन्होंने अभी पिछला मैच आपने देखा जो दौरा चलाया, बहुत जी जी अच्छा। ऐतिहासिक मैच रहा 1000वां वनडे मैच जिसमें जीत हासिल हुई। और जितेंद्र जी, अगर समझा जाए, क्योंकि आपने रणजी खेला है और जिस तरह से चयन की बात की जाती है और सारी चीजें, तो और क्योंकि अंडर-19 टीम ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, तो ओवरऑल अभी क्रिकेट के सिनारियो किस तरह से देख पाते हैं आप देश में? जितेंद्र जी भारत में जो क्रिकेट का भी सिनारियो है वो बहुत ही जबरदस्त और अपने बोल सकते हैं कि बहुत अच्छे पेस में चल रहा है ये। अभी जी आपने देखा कि जो अभी मौजूदा जो मतलब इंडियन टीम है उसमें आप देखेंगे सारे नए लड़के, अभी काफी नए लड़कों को चांस दिया गया है। तो मतलब मैं 15-20 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो भारत के पास में बेंच स्टैंड अच्छा नहीं होता था, कि अगर आप किसी को चेंज कर रहे हैं तो वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता।
लेकिन जैसे आईपीएल के मैचेस हो गए और कंपटीशन इतना अच्छा, इतना जबरदस्त है जो भारतीय क्रिकेट के लिए अच्छा है। जैसे अभी आपने देखा कि 19 वर्ल्ड कप में हमने जो 5 बार 19 वर्ल्ड कप जीता है, तो जी जो बच्चे हैं वो भी, उनको मालूम है कि अगर हम वर्ल्ड कप में अच्छा करेंगे तो हमारा आईपीएल के लिए लाइन खुला है और इंडिया टीम के लिए लाइन खुला है। तो वो एक अच्छा कंपटीशन होता है, और जितने जिस टीम में जितना अच्छा कंपटीशन रहेगा उसकी टीम उतनी अच्छी बनेगी, क्योंकि जो भी लड़का परफॉर्म मतलब जगह अपने जो इंडिया टीम में उसको जगह मिलती है, जैसे आप सूर्य कुमार की अगर बात करें, हुड्डा की अगर बात करें, तो उनको मतलब इतना अच्छा परफॉर्म करके आए हैं, और अभी जैसे उनको चांस मिल रहा है तो वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और जितने भी लोग बाहर बैठे हैं जैसे केएल राहुल, धवन, और जितने भी लोग बाहर बैठे वो भी मतलब ऐसे इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कि अभी क्या होता है कि अगर आपके पास में अगर बैंड स्टैंड अच्छा है और आपको अगर एक दो जन को चेंज करने की अगर जरूरत पड़े तो भी आपका जी जो बैंड स्टैंड इतना अच्छा है कि उससे आप मैच जीत सकते हो। कि मौजूदा सीरीज में अगर आप देखेंगे कि जितने नए लड़के हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो अच्छा परफॉर्म इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कंपटीशन बहुत अच्छा है, क्योंकि उनको ही मालूम है कि अगर मेरे को चांस मिला है तो मैं अपना 100% दूं ताकि मेरा जो मतलब चांस है वो कन्वर्ट हो, उसको मेरे को लंबे समय तक खेलने का मौका मिले। तो अभी क्या होता है, इससे ये अच्छी चीज हो गई कि भारत का जो परफॉर्मेंस है वो अभी धीरे धीरे ऊपर चले जा रहा है और कॉम्पिटिशन भी बहुत अच्छा है। और अभी क्या कर रहे हैं आप देख रहे हैं, रोटेशन पद्धति में सबको चांस दे रहे हैं इंडिया टीम में। तो रोटेशन जी पद्धति में सबको चांस देने से ये अच्छा हो रहा है कि सारे लड़कों को चांस मिल रहा है, और बहुत सारे लड़के अगर खेलेंगे क्रिकेट तो आप देखेंगे कि हमारा जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसका परफॉर्मेंस अच्छा है, उसका लेवल अच्छा है, और जो नए लड़के आ रहे हैं उनको मालूम है कि हमें चांस मिलेगा। आज से जी 15-20 साल पहले ऐसा लगता था कि जैसे गांगुली और ये लोग खेलते थे तो जगह कब हटेगी, कब मेरे को चांस मिलेगा, लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि अगर कोई इंजोर्ड हो रहा है तो फट से नए लड़के को चांस दिया जा रहा है। और जहां तक कैप्टनसी की अगर मैं बात करूं तो रोहित शर्मा को बहुत मतलब जो कैप्टन बनाया गया है वह एक बहुत अच्छा कदम उठाया बीसीसीआई ने। वो इसलिए मैं ये मतलब बोलना चाहता हूं क्योंकि रोहित शर्मा एक ऐसे खिलाड़ी है जो मतलब इतने ठंडे और इतने कूल है, जैसे कैप्टन धोनी हुआ करते थे। तो उनसे क्या जी होता है कि आपके लड़कों में एक मतलब बिना प्रेशर का, एक्चुअली क्या होता है जैसे आप इंडिया टीम के लिए खेलते हैं तो आपको परफॉर्मेंस करने का प्रेशर रहता है, उसके बाद आपको टीम में बने रहने का प्रेशर होता है, उसमें फिर आपके जितने भी सपोर्टर रहते हैं उनको उनका प्रेशर रहता है, उसके बाद जो टूर्नामेंट चल रहा है जैसे कोई वर्ल्ड कप चल रहा है तो उसका प्रेशर। तो इतने सारे प्रेशर के बाद अगर कैप्टन का भी अगर थोड़ा सा भी प्रेशर आता है तो वो लड़का उतना परफॉर्म नहीं कर पाता। तो इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि रोहित शर्मा ने जिस तरीके से कैप्टनसी की है वो बहुत कूल रहते, ताकि जो बच्चे खेल रहे हैं अचानक पहला मैच जिसको खेलने को मिला और अगर उसके ऊपर प्रेशर नहीं रहा है किसी का तो वो बहुत अच्छे से अपना खुल के परफॉर्म कर सकता है। तो ये खुल के परफॉर्म करने की जो क्षमता है ये रोहित शर्मा ने बच्चों में डेवलप की है, इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कि अगर रोहित शर्मा आगे कैप्टनसी करेंगे तो भारत का फ्यूचर बहुत अच्छा है। और जिस तरीके से ये लोग अलग अलग फॉर्मेट में कैप्टन बना रहे हैं वो भी एक मतलब अच्छा पहल है, जिसमें बहुत सारे लोगों को मौका मिलेगा और जिससे भारत का क्रिकेट और अच्छा होगा उसमें। जी, क्योंकि उन्होंने कप्तानी पारी खेली और कप्तान अच्छा परफॉर्मेंस करता है तो निश्चित तौर पर उसका एक मैसेज जाता है। अजय जी, लेकिन हमने देखा कि जिस तरह से विराट कोहली के परफॉर्मेंस पर असर पड़ने लगा था कैप्टनशिप की वजह से, तो आप क्या मानते हैं कि प्रेशर में परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है खिलाड़ियों के? जैसे हमने सचिन के भी कैप्टनशिप में देखा था किस तरह की स्थिति निर्मित हुई थी उनके साथ में। अजय जी देखिए, विराट कोहली एक बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। ये तो जी ठीक है कि उनके ऊपर प्रेशर तो मैं नहीं मानता कि कैप्टनशिप की वजह से उनके परफॉर्मेंस पे कोई फर्क पड़ा था, लेकिन ये है कि उनके कैप्टनशिप में इंडिया ने कोई बड़ा टूर्नामेंट नहीं जीत पाया, ये उनके जरूर उनके मन में कुछ ऐसा रहा होगा जिसके कारण उनको लगता था कि मैं क्या बोलते हैं अंडर ये जो 2020 की कैप्टनशिप उन्होंने छोड़ी। बाकी विराट कोहली जैसे खिलाड़ी तो बहुत कम होते हैं, एक सचिन तेंदुलकर के टक्कर के खिलाड़ी हैं वो, तो मुझे जी नहीं लगता कि कभी भी ऐसा कोई प्रेशर फील करते होंगे कि क्या बोलते हैं कैप्टनशिप की वजह से उनके खेल में असर पड़े, क्योंकि उन्होंने ऐसा मुझे मैंने तो ऐसे कई मैचेस दिखे हैं जिसमें विराट कोहली के दम पे इंडिया जीता है। जी प्रवीण जी, इस समय युवाओं में किस तरह का उत्साह देख पा रहे हैं आप? क्योंकि हर रोज आपकी बात होती रहती होगी, खिलाड़ियों से बातचीत चलती होगी सीरीज को लेकर और कैप्टनशिप को लेकर, तो किस तरह से बातचीत निकल के सामने आ रही है? जैसे अभी कुछ देर पहले जितेंद्र सर ने कहा बताया कि जी 15 साल आज से 15 से 20 साल पहले खिलाड़ियों को अपनी जगह बनाने के लिए पुराने जो सीनियर खिलाड़ी है उनके हटने का इंतजार करना पड़ता था।
पहले इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं थी आज उस समय के खिलाड़ियों के पास, जैसे आईपीएल हो गए और भी कई सारे डोमेस्टिक क्रिकेट हो गए, उस समय इतनी सारी अपॉर्चुनिटी नहीं हुआ करती थी लोगों के पास। पर चूंकि अब इस सारे चीजों के क्रिकेट क्रिकेट को बढ़ावा दिया गया और ये सब चीजें लड़कों को मौका मिलता चला गया और इसमें अपने खेल की जो क्वालिटी है वो और निखर के आते चली गई। और सर ने बताया जैसे कि कंपटीशन जहां होता है वहां आपको अब बहुत अच्छा चीज देखने मिलेगा, आपको अच्छी अच्छी चीजें देखने मिलेगी। और इस सारे गेम की जिस तरीके से चला जा रहा है, अंडर 19 के भी जैसे कुछ खिलाड़ी भी इन्होंने अच्छा परफॉर्म करके वर्ल्ड कप जिताया है हमारे लिए, और युवा लोग युवाओं के लिए तो बहुत अच्छी बात है, ये जैसा होना चाहिए और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। क्योंकि अंडर 19 से निकलकर फिर सीनियर प्ले ग्रुप में बच्चे पहुंचते हैं, निश्चित तौर पर उससे एक भविष्य निर्धारित होता है क्रिकेट टीम का। जितेंद्र जी, ऐसे में मुझे लगता है कि एक नए युग की शुरुआत माना जा सकता है यहाँ से, क्या मानते हैं आप? बिल्कुल, जब से आईपीएल चालू हुआ है इंडिया में तब से मैं समझता हूँ कि भारत में क्रिकेट का एक नया युग स्टार्ट हुआ है। हालांकि नया युग तो 1983 में जब भारत ने वर्ल्ड कप जीता था तब से मतलब हम लोग सब उसी वर्ल्ड कप विनिंग टीम में जो कप्तान थे कपिल देव सर से, उनसे प्रेरित होकर हमने क्रिकेट खेलना चालू किया था। तो वहां से वो भारत एक ऊंचाई पर चला गया, लेकिन जब से आईपीएल हुआ तब से भारत एकदम सिरमौर जगह में पहुंच गया है पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में। क्योंकि क्या होता है कि जो आईपीएल क्रिकेट है वहां पे पूरे वर्ल्ड के जो बेस्ट क्रिकेटर वहां खेलने के लिए आते हैं, और जब हमारा जो कोई जूनियर लड़का जब वो आईपीएल की टीम में जाता है, जैसे यशस्वी जायसवाल है, ऋषभ पंत है और जितने भी नए लड़के हैं, तो वो जब वहाँ आईपीएल में उन खिलाड़ियों के साथ जब वो खेलते हैं और उनका एक्सपीरियंस जब उनको मिलता है, जिस खिलाड़ी को वो एक्सपीरियंस लेने के लिए आज से आईपीएल से पहले 10 से 15 साल लग जाते थे, आज उसकी वही चीज आपको तुरंत मिल रही है। 19 में जैसे आपने अच्छा परफॉर्म किया, फट से आपको कोई आईपीएल टीम मिल गई, वहां पे आप भले खेले कि ना खेले वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उनके साथ जो एक्सपीरियंस शेयर हो रहा है वो वर्ल्ड क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट का, जिससे वो बच्चा इतनी जल्दी मैच्योर हो जाता है कि जैसे अभी आप देखेंगे कि वेंकटेश अय्यर को सिर्फ आईपीएल के बेस पे आज इंडिया टीम में खेलने का मौका मिला है। तो ऐसे बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी जो है अब आईपीएल के थ्रू इंडिया टीम में आ रहे हैं और इंडिया टीम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि अभी जो भारत का जो फ्यूचर है आईपीएल के होने के बाद में और अच्छा हो गया, क्योंकि पहले क्या होता था सिर्फ आपको रणजी ट्रॉफी में ही परफॉर्मेंस करना था, वहां के उसके बेस पे आप इंडिया टीम में आते थे। अब आप रणजी ट्रॉफी में परफॉर्म करो, 19 इंडिया खेलो वहां परफॉर्म करो, आईपीएल में खेलो अगर आप वहां परफॉर्म करो जहां 8 से 10 टीम है, तो वहां पे बहुत सारे लड़के जो जूनियर लड़के वहां जाके परफॉर्म करते हैं और वहां से अपनी इंडिया टीम में जगह बनाते थे। तो अभी जो चैनल है वो बहुत सारे हो गए हैं, पहले सिर्फ रणजी ट्रॉफी चैनल हुआ करता था इंडिया टीम में जाने के लिए, लेकिन अगर अभी आप देखें तो आप आईपीएल भी एक चैनल है, 19 भी टीम एक चैनल है और मुश्ताक अली ट्रॉफी एक चैनल है, विजय हजारे ट्रॉफी एक चैनल है, तो बहुत सारे चैनल है जहां से आप इंडिया टीम में जा सकते हैं। तो अभी ये अपन ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ बच्चे ही, कोई अगर सीनियर भी लड़का अगर अच्छा मेहनत कर रहा है और वो चाहता है कि वो खेले तो वो भी इंडिया टीम में आ सकता है। तो अभी की अपॉर्चुनिटी इतनी जबरदस्त है। दूसरे अगर फाइनेंशियल कंडीशन भी देखें तो हमारे समय में उतना फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था, लेकिन आज की डेट में अगर आप देखें कोई लड़का अगर करियर बनाने के लिए क्रिकेट खेलता है और 10 साल सिर्फ रणजी ट्रॉफी खेलता है तो फाइनेंशियल सिक्योर हो जाता है। तो अभी क्या होता है कि दोनों चीजें बहुत अच्छी है, इसीलिए अभी करियर बनाने के लिए, पहले आज की डेट आज से हमारे समय में लोग करियर नहीं बनाते थे, शौकिया क्रिकेट खेलते थे, लेकिन करेंट सिनेरियो ऐसा है कि लोग मतलब पेरेंट्स अपने बच्चों को इंस्पायर करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, खुद लेके जाते हैं, क्योंकि वो मेरा बच्चा अगर वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलेगा आईपीएल खेलेगा तो उसका करियर अच्छा बनेगा, जो हर पेरेंट्स चाहता है। तो आज की डेट में सिनेरियो इसलिए चेंज हुआ है क्योंकि इतनी सारी अपॉर्चुनिटी आ गई है और आज पेरेंट्स को भी ये पता लग रहा है, बच्चे को तो पता था ही, पेरेंट्स को भी ये लग रहा है कि इसमें करियर बनाना अच्छी बात है, इसमें आप फाइनेंशियल फ्री हो सकते हैं और अपने कंडीशंस को अच्छी कर रख सकते हैं। तो इतनी सारी चीजें होने के कारण मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि भारत का जो फ्यूचर है क्रिकेट में अगर कोई खेलना चाहता है बहुत ब्रिलियंट है, ब्राइट है और आगे के लिए उसका अच्छा फ्यूचर है उसमें। जी जी, फ्यूचर बहुत अच्छा है। और जिस तरह से आपने आईपीएल का जिक्र किया, आईपीएल के तर्ज में छत्तीसगढ़ में भी कुछ इस तरह के लीग मैच हुए थे अजय जी, मुझे लगता है कि उससे भी बच्चे काफी मोटिवेट हुए। जी हाँ, देखिए छत्तीसगढ़ में तो जब से छत्तीसगढ़ को रणजी ट्रॉफी मिला है तब से यहाँ पे क्रिकेट का एक ग्रोथ चालू हो गया है। छत्तीसगढ़ में पहले
और स्टेडियम के बनने से तो अपन अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ भी देख रहे हैं, यहाँ पे खेलते हुए भी देख रहे हैं। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में भी काफी क्रिकेट डेवलप हो रहा है। मुझे लगता है कि आगे करके जिस तरीके से अभी हमारे यहाँ चार पांच ऐसे अच्छे खिलाड़ी हैं जो आगे चल के आईपीएल में भी सिलेक्ट हो सकते हैं। जैसे जितेंद्र जी ने बताया कि जो फाइनेंशियल जो पोजीशन अब क्रिकेट के अंदर है वो इतनी अच्छी है कि बहुत से लोग क्रिकेट को अपना करियर बना सकते हैं। और वो देखिए, फर्स्ट क्लास में बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं, आईपीएल में भी बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। तो छत्तीसगढ़ में भी देखिए अभी डेवलपमेंट तो बहुत दिख रहा है, और आगे चल के अभी ये 2 साल थोड़ा कोरोना के चक्कर में थोड़ा सा बैक हुए हैं हम, लेकिन जी फ्यूचर में जैसे इस कोरोना के इससे बाहर निकल जाएंगे तो क्रिकेट के लिए तो बहुत ब्राइट फ्यूचर है, छत्तीसगढ़ के लिए भी। और मुझे लगता है कि ब्राइट फ्यूचर के साथ साथ में जो खिलाड़ी दूर दराज से आते हैं, जैसे बस्तर से भी कुछ बच्चे निकल के आते हैं, कुछ बिलासपुर से, तो उनकी एक ही टीस रहती है कि उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, फिर वो कई बार अपनी बात रखते हैं। तो अभी इस तरह का प्रवीण जी आप देख पाते हैं कि जो बच्चा अच्छा खेल पाए उसका सिलेक्शन ना हो पाए, इस तरह की स्थिति आपको दिखती है क्या छत्तीसगढ़ में? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं दिखता है। अभी पिछले कुछ, जब से रणजी की मान्यता मिली है छत्तीसगढ़ को, तब से हमने देखा है कि बहुत सारे युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा मौका मिला है। कुछ छोटे टूर्नामेंट की वजह से, जैसे अंडर 19 14 के हो गए हैं और 24 जैसे सीनियर हो गए हैं कुछ उसमें, कुछ अभी आगामी कुछ पिछले कुछ वर्षों में हमारे यहाँ आईपीएल सेक्टर टाइप के भी छोटे छोटे टूर्नामेंट होने शुरू हो गए हैं, जैसे सीटीएल हुआ था और भी कई सारे टूर्नामेंट होते रहे हैं, तो उसमें प्रतिभा दिखाने का मौका मिला है और अच्छी बात है हमारे लिए, छत्तीसगढ़ के लिए ये सब चीजें। अगर आपके मतलब किसी भी खिलाड़ी में अगर स्पोर्ट्स स्पिरिट हो तो निश्चित तौर पर अपना मुकाम बना सकते हैं। जितेंद्र जी। जी जी बिल्कुल जी जी बिल्कुल। क्या है, देखिए छत्तीसगढ़ में अभी आपने जैसे जिक्र किया कि बस्तर के खिलाड़ियों को टीस रहती है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि पिछले 2 साल में बस्तर के 2 से 3 खिलाड़ी हमारे छत्तीसगढ़ की रणजी ट्रॉफी टीम खिलाड़ियों में से खेल रहे फोन हैं। आया था हमारे पास में, इसलिए इस पर चर्चा करना पड़ गया कि देखिए मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी जैसे 2 लड़के छत्तीसगढ़ मतलब बस्तर के छत्तीसगढ़ की रणजी ट्रॉफी टीम में खेल रहे, सौरभ मजूमदार करके एक मीडियम पेसर जो कंटिन्यू रेगुलर खेल रहा है। तो अभी क्या हो रहा है कि आप छत्तीसगढ़ की टीम अगर आप देखेंगे तो हर क्षेत्र से उसमें खिलाड़ी है। सिर्फ आप रायपुर भिलाई की बात नहीं कर सकते, सिर्फ इसीलिए उससे ये अंदाजा होता है कि हम पूरे क्षेत्र में मतलब सारे लड़के यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब जो लड़का यहाँ पार्टिसिपेट कर रहा है और परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो उसको ठीक है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आप टूर्नामेंट की अगर बात करें तो हर खिलाड़ी को समान तरीके से यहाँ पे परफॉर्म करने का मौका मिलता है और उसमें जो अच्छा परफॉर्म करता है वो आगे जाता है। ये जरूर अच्छी बात मतलब ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है रायपुर और भिलाई के लड़कों को, क्योंकि वो सारे अच्छे लड़के जितने भी रणजी ट्रॉफी करेंट खेल रहे हैं उनके टच में रहते हैं तो उनको एक्सपीरियंस मिल जाता है। अब जो दूर दराज के लड़के हैं, जैसे बस्तर की बात करें और छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूं, तो जी वहां पे क्रिकेट अभी उतना डेवलप नहीं हो रहा है। हम उसकी तरफ भी कोशिश कर रहे हैं कि अभी हमने छत्तीसगढ़ सीएसएस ने एक स्टेप लिया है कि हर डिस्ट्रिक्ट में कोच दिया जाएगा। अब भेजेंगे, जैसे कोरोना के कारण रुका हुआ है, तो अब जैसे हर डिस्ट्रिक्ट को अगर एक कोच मिल जाएगा सर्टिफाइड, तो वहां पे अच्छी प्रैक्टिस होगी और वहां के बच्चे बहुत जल्दी आगे जाएंगे। तो अभी क्या है, जैसे छत्तीसगढ़ का ये भी प्लान, फ्यूचर प्लान है कि हर डिस्ट्रिक्ट को बहुत अच्छे तरीके से डेवलप किया जाए, खासकर जैसे अगर मैं बस्तर जैसे जगह की बात करूं तो बस्तर में जो लड़के हैं बहुत स्ट्रांग हैं और वो मेंटली बहुत ही मतलब फिजिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो उनको अगर आप सही तरीके से डेवलप करें तो वो छत्तीसगढ़ क्रिकेट में बहुत अच्छा योगदान दे सकते हैं। आदिवासी जो खिलाड़ी होते हैं वो मतलब फिजिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं और एक क्रिकेट में फिजिकल ट्रेनिंग या फिजिकल स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होता है, जो शहर के खिलाड़ियों में थोड़ी कम नजर आती है। तो ये सब चीजें जो है उनको नेचुरल मिलता है, मतलब जो फिजिकल जो स्ट्रांगनेस है वो बाहर के खिलाड़ियों को, गांव के खिलाड़ियों को बहुत इजीली मिलता है। बस उनको थोड़ा टेक्निकली डेवलप करने की जरूरत होती है और कुछ अच्छे प्लेटफॉर्म देने की जरूरत होती है जिससे वो बहुत जल्दी आगे आ जाएंगे। तो फ्यूचर में ये सारी चीजें आप देखेंगे कि पूरे सारे क्षेत्र से जो छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट है वहां से भी आपको स्टेट की टीम में बच्चे मिलेंगे और सबका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे समय में हम 150% मेहनत करते थे तब रिजल्ट 150% आता था, क्योंकि हमारी पूरी मेहनत यहाँ से इंदौर जाने में और वहां एमपी टीम में सेलेक्ट होने में लग जाती थी। लेकिन आज का बच्चा अगर कोई छोटे डिस्ट्रिक्ट से 2 टूर्नामेंट में भी अगर अच्छा खेला, सीधा वो उसको स्टेट टीम मिलता है और स्टेट टीम में उसको परफॉर्म करने का मौका मिलता है। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है छत्तीसगढ़ क्रिकेट और नए बच्चों के लिए खेलने के लिए, तो
और मैं ये भी खोल सकता हूँ कि जिस तरीके से सीएससीएस की जो प्लानिंग है उससे फ्यूचर में हमारे स्टेट से भी देखिएगा आपको इंटरनेशनल लेवल में बहुत अच्छे खिलाड़ी देखने को मिलेंगे। जी, निश्चित तौर पर जिस तरह से आप कह रहे हैं, आने वाले समय में यहाँ से अच्छे खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल पर दिखेंगे। लेकिन क्रिकेट को पहले ये कहा जाता था कि ये बड़े बड़े शहरों का खेल है, मतलब आपको क्रिकेट में अच्छा करना है तो आपको बड़े शहरों में जाना पड़ेगा, दिल्ली, मुंबई। अजय जी, मुझे लगता है अब ये किंवदंती टूटी है, जैसे खुद जितेंद्र जी बोले थे उनको इंदौर जाना पड़ता था। देखिए, पहले तो जब अपना एमपी स्टेट था तो हमको तो एमपी से ही खेलना पड़ता था, और जी, छत्तीस रायपुर से हमको इंदौर जाना पड़ता था। लेकिन अब जैसे छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो स्टेट विद इन स्टेट हो गया, अब तो यहाँ पे उन अपॉर्चुनिटी तो बहुत ज्यादा है। देखिए, अभी जिस लेवल के खिलाड़ी उस समय हमारे यहाँ रायपुर में होते थे, हो सकता था आज सारे रणजी ट्रॉफी प्लेयर होते उस इस समय के। तो मुझे लगता है कि देखिए, अभी बड़े शहरों का अभी भी रुतबा तो है। देखिए, बेंगलोर का, दिल्ली का, बॉम्बे का, इनका रुतबा, कलकत्ता का रुतबा तो है फिर भी। लेकिन हमारे अगर खिलाड़ी स्टेट लेवल पे बहुत अच्छा अगर परफॉर्म करेंगे तो उनको एक प्लेटफॉर्म तो मिलेगा ही। देखिए, आईपीएल में भी मिलेगा, रणजी ट्रॉफी में तो खेल ही रहे हैं, उसमें भी एक अच्छा परफॉर्म करेंगे तो उन तो आगे खेलने तो जरूर मिलेगा। ऐसे मेहनत करनी पड़ेगी। प्रवीण जी, टेक्निक का कितना आप अहम मानते हैं कि टेक्निक पे काम किया जाए? क्यों, ठीक है, सबका एक अपना खेलने का तरीका होता है, उसको निखारने की जो आवश्यकता रहती है, जो प्रवीण जी। टेक्निक तो सर हर खेल में आपको चाहिए ही चाहिए, चाहे वो किसी भी दिशा में हो। क्रिकेट में आपको टेक्निक सारी चीजों में दिखानी पड़ेगी, जैसे कि एक गेंदबाज को किस तरह से अपने शरीर को आगे की ओर लेके जाए, बॉल को फेंके या टप्पा बनाए या किसी कुछ। किसी में गॉड गिफ्टेड होता है जिससे वो खिलाड़ी जाना जाता है, जैसे हेलीकॉप्टर शॉट के लिए धोनी जाने जाते हैं। सर वो गॉड गिफ्टेड नहीं था सर, मैं माफी चाहूंगा, वो गॉड गिफ्टेड नहीं था, जी उन्होंने उस खेल को अपने प्रतिभा को निखारा है उसको, जैसे हमने जी धोनी जी पिक्चर में उसके उसके डॉक्यूमेंट्री देखा है हमने। और गॉड गिफ्टेड नहीं कह सकते, हर खिलाड़ी जब ग्राउंड पे पहुंचता है तब वो पूरी तरह से कोरा होता है, उसको कोच उनकी की अंदर की प्रतिभाओं को समझ कर और उस पर मेहनत करके उसकी प्रतिभाओं को और उभार कर लेकर आता है, ये काम कोच का होता है। और जो कि सीएसएस अभी वो चीज कर रही है, हर जिले में हर जिले वाइज वो एक कोच बैठा लेके जा रही है, ताकि जैसे कि सर ने कहा, जितेंद्र सर ने, कि बस्तर के युवाओं को गॉड गिफ्टेड होता है एक अच्छा शरीर, हर जी खिलाड़ी के लिए अच्छा शरीर बहुत महत्व रखता है, और वहां पर अगर हम कुछ टेक्निक अगर उनको दे दें खेल के लिए, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी, यानी हमारी खेल के विकास के लिए बहुत अच्छी बात होगी। और तकनीक की रही बात, तो सर क्रिकेट में तकनीक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जी जी इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर आप क्रिकेट नहीं आगे खेल सकते हैं। जी 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 टीम स्पिरिट भी होता है, क्योंकि हमने देखा कि टीम के हर एक के खिलाड़ियों की जो भावना होती है, अगर एक साथ एकजुट हो तो एकता में जो बल मिलता है उसे किसी भी लक्ष्य को पाया जा सकता है। जैसे आज के अखबारों की अगर सुर्खियां देखे जो बनी हुई थी कि कप्तान नहीं फिर भी लीडर, या वादे पर खरे उतरे विराट कोहली, ऐसी की रोहित शर्मा की मदद, मतलब रोहित शर्मा की जो उन्होंने मदद की, तो हम अखबारों के भी होर्डिंग हेडिंग्स जो देखते हैं उसमें कहीं ना कहीं दिखता है कि किस तरह से खिलाड़ियों के बीच में एक टीम स्पिरिट और किस तरह से एकता के साथ वो खेल रहे हैं। जितेंद्र जी, जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे पहले, बहुत पहले की बात है, जब बॉम्बे के 8-9 लड़के हुआ करते थे टीम में, और बाकी के एक दो दिल्ली के ऐसा होते थे, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा एक रहता था कि बॉम्बे के ज्यादा लड़के हैं तो थोड़ा सा टीम स्पिरिट आने में हो सकता है कुछ तकलीफ होती होगी। लेकिन अगर अगर अभी आप देखेंगे तो हर स्टेट से आपको एक लड़का मिलेगा, तो इससे क्या हो रहा है कि हर 11 स्टेट से 11 लड़के अगर टीम में खेल रहे हैं तो वो टीम स्पिरिट के साथ ही खेलेंगे, तभी वो हम मैच को जीत सकते हैं। और ये अच्छी बात है कि किसी का यहाँ वर्चस्व नहीं है, सब लड़के बराबर है, चाहे वो नया लड़का आ रहा है वो पुराने हैं, विराट कोहली भी बहुत ऊपर लेवल पे है, लेकिन जब वो हुड्डा के साथ खेलते हैं या सूर्य कुमार के साथ खेलते हैं तो सब एक हो जाते हैं, और यही एकजुटता जो है वो टीम को आगे लेके जाती है। और यहाँ पे मैं विराट कोहली की तारीफ करना चाहूंगा कि उसने जो नेशनलिटी, मतलब भारत को जिताने की जो मतलब इच्छा शक्ति जो उसने मतलब हमारी टीम में जो डेवलप की है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है सर। कि विराट कोहली के आने के बाद आपने देखा होगा कि हर मोमेंट को वो चीयर करते हैं, भारत को जिताने के लिए वो मतलब सारी चीजें लगा देते, चाहे वो फील्डिंग करे, चाहे वो रनिंग बिटवीन करे, चाहे वो बैटिंग करे,
कोई भी पार्ट हो, जब वो क्रिकेट में लाते हैं तो 150% अपना एफर्ट लगाते हैं, और वो सारी चीजें अगर आप देखेंगे तो पूरे 11 के 11 खिलाड़ियों में नजर आती है। और अगर 11 के 11 खिलाड़ियों में किलर स्टिंट अगर नजर आएगी और वो टीम स्पिरिट में डेवलप होती है, और जो एक अच्छा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलता है कि हम पिछले 5-6 साल में देखो इंडिया पूरे सारे फॉर्मेट में टॉप में बैठी है, तो उसका सिर्फ ये रीजन है कि विराट कोहली जैसे पॉजिटिव क्रिकेटर और मतलब इंथुजियास्टिक क्रिकेटर और जोशीले क्रिकेटर जिसका मतलब सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि मैं अपने टीम को अपने जी, देश जी, को जी, कैसे जिताऊं, तो ये सारी चीजें आज के नए लड़कों में डेवलप हो रही है। जी जी चलते चलते अजय जी कुछ अहम बात जो रखना चाहेंगे कार्यक्रम के आखिरी में। देखिए मैं तो जैसा मैं समझता हूँ कि कैप्टनशिप जो है ना क्रिकेट के अंदर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोजीशन है। इसमें जैसे विराट कोहली भी बहुत अच्छे कप्तान थे एक समय, सौरव गांगुली भी बहुत अच्छे कप्तान थे, धोनी भी बहुत अच्छे कप्तान थे। अब देखिए सचिन तेंदुलकर की कैप्टनशिप में उतना अच्छा इंडिया ने नहीं किया था, राहुल द्रविड़ की कैप्टनशिप में उतना अच्छा नहीं किया था, सनी गावस्कर एक पुराने जमाने में जब कप्तान थे तब भी इंडिया कुछ 50-50 रहता था। जब कपिल देव एक अग्रेसिव कप्तान आए तो उन्होंने एक फाइटिंग स्पिरिट डाली थी इंडिया की टीम में, उसी को फिर सौरव गांगुली ने फॉलो किया, उसी को महेंद्र सिंह धोनी ने फॉलो किया। तो मुझे लगता है कि देखिए जो कैप्टनशिप के लिए अभी रोहित शर्मा एक बहुत ही अच्छे कप्तान साबित होने चाहिए फ्यूचर में इंडिया के। जी 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 तो इस चर्चा में मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि समय समय की कमी है। प्रवीण जी आपका, अजय जी आपका, जितेन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साधारण खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बैक टू स्टूडियो।